The constituency of Kairana and the politically crucial Uttar Pradesh will see a joint opposition of taking on the ruling BJP. The voters demand better roads, improvement in infrastructure facilities and clearance of dues of sugarcane growers. Ayushman Kumar brings us this report. We are right now with the citizens of Kairana. We'll try to know as to what they feel this Lok Sabha election is about. Remember, this is the seat from where the Mahagathban candidate as well as the BJP candidate are wrestling it out for the Kairana Lok Sabha seat. Wo kaun sa aisa mudda hai jo Kairana ke liye hai aur Kairana ki janta jo aap log hain unke liye wo mudde important hai. Wo kaun sa mudda hai? Kairana chunav ka mudda ye hai ki neta aate hain, vaade karte hain कि आपको बिजली देंगे, सड़कें देंगे, पानी देंगे. शायद विकास का कार्य होता है, लेकिन विकास का कार्य लखनऊ होता होगा या दिल्ली में होता होगा. कैराना क्षेत्र में तो कहीं विकास नज़र नहीं आता. बिजली का हाल यही है, आ गई तो एक डेढ़ घंटा रहेगी, फिर गायब हो जाएगी. परेशानी ही परेशानी है यहाँ की जनता को. बिजली के हक में यहाँ का जो माहौल है वो इतना भ्रष्टाचारी है कि मैंने आज तक कहीं नहीं देखा. एक भी सड़क नहीं, एक भी पहली सरकार सही थी उसमें बढ़िया सड़क बन रही थी. वो दिन तो आई एक भी सड़क नहीं कोई, उन्हें सड़क पर नहीं चलना, ड्राइवर आदमी हूँ. गन्ने का पेमेंट सबसे मेन मुद्दा है. थाना भवन मिल ने 10 दिन का नए साल का पेमेंट दिया है कुल, और उन मिल हमारे क्षेत्र में 3 मिल पड़ते हैं, शामली, ऊन और थाना भवन. तो और ऊन मिल ने करीब 15 दिसंबर तक पेमेंट दिया है, पिछला क्लियर कर दिया था, शामली ने अब तक नहीं दिया. The youth of Kairana are keen on migrating. They say there are not enough opportunities. It is very important to understand that the number which stands at around 12 lakh, these are the new entrants in the Uttar Pradesh's electorate. Out of those 14 crore voters who will vote for the fate of new government, 80 Lok Sabha seats. These are the young voters who will decide as to what the next government will do. क्या वो मुद्दे हैं जो आपको कंसर्न करते हैं? हमको लगता है हमारे यहाँ क्षेत्र में एक ही CBSE स्कूल है. अच्छा. जिसमें पूरे एडमिशन नहीं हो पाते. अच्छा. और फिर 12th के बाद बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हमें क्या करना है. हायर स्टडी के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है. यहाँ पर स्टडी का माहौल नहीं है. अच्छा. यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है. अच्छा. और पढ़ाई का माहौल तो है नहीं बिल्कुल भी. जो भी राजनेता हैं, जब ये टीवियों पर या फिर रैलियों में जब ये अपनी स्पीच देते हैं, उन स्पीच में खुद के प्रॉब्लम्स की कितनी झलक आप देख पाते हैं? मुझे तो कोई दिखी नहीं फिलहाल तो. कोई नहीं दिखता? मैं देखे बहुत, बट मुझे दिखे नहीं किसी में भी. आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो आर्मी को लेकर काफ़ी बहस होती है हमारे नेताओं द्वारा भी, और बहस काफ़ी कुछ होती है. लेकिन ये जो शंका है कि ठीक है, एक लड़का जो तैयारी कर रहा है उसको तैयारी के लिए क्या मिले, इसमें कैराना में कुछ भी नहीं है ऐसा. प्ले ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम कोई नहीं है तैयारी करने के लिए. कोई कोचिंग नहीं है, सेंटर नहीं है यहाँ पे, तो सब बाहर जाना पड़ता है. जैसे यहाँ पे मैंने 12th पास की है, कॉलेज में बीए करने के लिए यहाँ पे मेरठ जाना पड़ता है. जब सरकारें जातिगत राजनीति पर उतर आती हैं या फिर जाति की बात करती हैं, एक युवा के तौर पे आपके दिमाग में क्या चलता है? ये बंटवारे की राजनीति तो ठीक नहीं है. अगर ये सही मुद्दे करते तो हो सकता था युवाओं का भविष्य सही दिशा में जाता. आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी कुछ नहीं, खेत जाता हूँ. मैंने आर्मी की तैयारी करी थी एक बार. क्या करें, मजबूरी है, हर युवा की मजबूरी बन जाती है जब वो हर जगह ट्राई मार मार के अपनी उसी खेती पर आना पड़ता है. The BJP, after losing Kairana in the by polls, did not give a ticket to Mriganka Singh, who lost the Lok Sabha by elections for Kairana. Instead, the BJP has nominated Pradeep Chaudhary, a two-time MLA. किस बात पर आप वोट मांगने जाएंगे जनता के बीच? कैराना लोकसभा बहुत चर्चित लोकसभा रही है, और कैराना लोकसभा के अंतर्गत रहने वाले चाहे व्यापारी वर्ग हो चाहे आमजन हो, पलायन के मामलों को लेकर के बहुत बुरी दहशत में रहा है. गुंडागर्दी का आलम रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी. हमारी सरकार ने आकर के सब चीज़ों को सुधारने का काम किया है. जब हम युवाओं से बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं है,
और अगर बात करते हैं गन्ना किसानों से तो उनका कर्ज बहुत है, क्या आपको लगता है कि वो बड़ा फैक्टर है आपके चुनाव में, क्या वो एक रोड़ा बन सकता है, उसको कैसे एड्रेस करने का आप सोचते हैं? जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, ये हम लोगों ने भी विधानसभा में पिछले दिनों उठाया था, तो उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूनिवर्सिटी को सहारनपुर की स्वीकृति देने का काम किया। कहीं ना कहीं गन्ना किसानों में एक तरह का रोष आपको नजर आता है, लगता है कि मामला ठीक है? गन्ना किसानों के अंदर कोई रोष नहीं है। गन्ना किसानों की समस्या तो पिछली सरकारों में आप देखते थे, 22 दिन तक लोग चीनी मिलों पर धरना दिए पड़े रहते थे और गन्ना किसान का भुगतान नहीं होता था, लेकिन हमारी सरकार ने वो जो गन्ना भुगतान का गैप था उसको कहीं ज्यादा कम करने का काम किया। आपको जब बेरोजगारी का समस्या लगता है कि है कैराना में बेरोजगारी की थोड़ी समस्या है या नहीं, ऐसे सवाल आपसे पूछे नहीं जाते? नहीं, अगर कहीं है तो उसको सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। The migration of voters from Kairana was a widely discussed topic across UP in the year 2017 and 18. This time when we came to Kairana, we found that there was another migration that was taking place which was not discussed by anyone. It was the migration of young voters, the youth, who are forced to go out of Kairana because there is no university, stadium and basic facilities needed for jobs. Nobody talks of them. The leaders are not raising the issues, that's what the youth say. It is very important to ask the leaders as to why these young minds are leaving Kairana and why these issues are not discussed. With camera person Vimal, Ayushman Kumar for Mirror Now from Kairana.